क्या भगवत गीता के कारण बीटाउन में हिट हो रहे आयुष्मान, सोनम को बताया अपना राज। बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी एक के बाद एक फिल्म को लेकर चर्चा में है। लगातार आयुष्मान किसी न किसी चीज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में फिल्म अंधाधुंध के लिए आयुष्मान को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब लीजिए, आयुष्मान ने एक वीडियो के जरिए अपने सक्सेस होने के राज जाहिर किया। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों फिल्म जोया अख्तर को लेकर चर्चा में है, जिसे लेकर सोनम हर किसी स्टार से उनका लकी चार्म जान रही है और इसे अपनी इंस्टा पर शेयर कर रही है। पिछले दिनों ही इस दौरान रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर, अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडीज कई सितारों के लकी चार्म के बारे में जानने का मौका मिला, जिसके बाद अब आयुष्मान भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। जिसमें आयुष्मान ने बताया कि वह किस अंधविश्वास को मानते हैं या उनका लकी चार्म क्या है। ऐसे में आयुष्मान ने अंधविश्वास के बारे में बात करते हुए कहा कि वे बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उनके नाम की स्पेलिंग में एक सट्राइन और आर उनके पिता के कारण है। उनके नाम की स्पेलिंग हमेशा से ऐसी ही रही है। आयुष्मान आगे बताते हैं कि वह अपने साथ भगवद गीता हमेशा रखते हैं, यहाँ तक कि यह उनके बिस्तर के बगल में भी रखी रहती है। आयुष्मान ने यह भी बताया कि वे जब स्टेज या सेट पर जाते हैं तो उसे रिस्पेक्ट देते हुए छूते हैं। बात यदि सोनम की इस फिल्म की करें तो द जोया फैक्टर में सोनम कपूर और दुलकर सलमान लीड रोल में हैं। यह फिल्म एक नॉवल पर आधारित है। इसमें सोनम एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत लकी मानी जाती है। फिल्म रिलीज हो चुकी है। वहीं पिछले दिनों ही आयुष्मान की ड्रीम गर्ल भी रिलीज हुई थी, जो कि काफी चर्चा में रही थी।